आईपीएल का पहला मैच सीएसके और आरसीबी बीच खेला गया। इस मैच में आरसीबी टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी और आरसीबी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में चेन्नई के सामने 174 रन बनाए। 174 रन बनाने में आरसीबी की टीम के अनुज रावत की सबसे बड़ी भूमिका रही। अनुज रावत ने 3 छक्के और 4 चौके की मदद से शानदार 28 रन की पारी खेली और अनुज रावत के साथ ही दिनेश कार्तिक ने भी शानदार फिनिशिंग की और 26 बॉलों में 38 रन की पारी खेलकर टीम को 174 रन के लक्ष्य तक पहुंचाया। और चेन्नई की ओर से आरसीबी को 174 रन पर रोकने में मुस्ताफिजुर रहमान की सबसे बड़ी भूमिका रही। मुस्ताफिजुर ने अपने 4 ओवर में 29 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। 175 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम के लिए रचिन रविंद्र ने शानदार भूमिका अदा की। रचिन रविंद्र ने 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से मात्र 15 गेंदों में 37 रन की कमाल की पारी खेली और सीएसके की टीम को बहुत ही बढ़िया शुरुआत दी और इस मैच को फिनिश करने में स्वयं दुबे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दुबे ने 28 बॉलों में 24 रन बनाकर इस लक्ष्य को 8 गेंद पहले ही समाप्त कर दिया और इस पारी के चलते सीएसके की टीम ने यह लक्ष्य 8 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। तो आईपीएल का पहला मैच सीएसके की टीम ने 6 विकेट से अपना नाम कर लिया और इस मैच में महत्वपूर्ण भूमिका रही सीएसके के मुस्ताफिजुर रहमान की। रहमान ने 4 विकेट अपना नाम किए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आगे भी आपको सभी मैचों की हाईलाइट सबसे पहले देखनी है और सबसे कम टाइम में देखनी है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।